आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में जो आपके लिए रखा जा रहा है एंड टाइम टू टाइम आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है वेल नोन है, आप सभी लोग जिससे इस टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं वेल नोन पर्सनालिटी हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, इस फील्ड के माहिर हैं, इस फील्ड के खिलाड़ी हैं कहे तो गलत बात नहीं है। और डॉक्टर थॉमस कुट्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी जिन्होंने 30 ईयर्स अमेरिका में रिसर्च किया है ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर में, एंड उनसे बेहतरीन इस सब्जेक्ट को कोई एड्रेस नहीं कर सकता। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब को। जी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज स्पेसिफिकली हमने ये सब्जेक्ट डिसाइड किया है कि हमारी प्रोडक्ट हमारा एक एक ऑर्गन को कैसे हेल्थी रखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ हेल्थ सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। हेल्थ सप्लीमेंट होते हुए भी ये दवाई जैसे काम करता है, तो कई बार ये प्रश्न उठता है ये दवाई तो नहीं है, ये दवाई है। दवाई का भी हमारे पास लाइसेंस है, आज से हेल्थ सप्लीमेंट भी ये लाइसेंस है। कुछ नए लोगों के जानकारी के लिए मैं बोलता हूँ कि द इंग्रेडिएंट्स आर सेम। हमारी जो मार्केटिंग का टेक्निक है, वी हैव बोथ द सेगमेंट as a health supplement and as a proprietary ayurvedic medicine. So hum log kya promote karta hai to the general public as a preventive, ye samajhna bahut zaruri hai, as a preventive hum ye product as a health supplement hum promote karte hain. To ye hamare sharir mein, abhi humne kisi ko product diya, videsh mein hi hai, indian hai, तो काफी सारे प्रॉब्लम से गुजरे थे, तो वो उनको समझाया और सारा कुछ थोड़ा काउंसलिंग दे दिया, तो प्रोडक्ट ले लिया। तो आज ही मेरे पास रिपोर्ट आया है, इट इज नॉट इवन वन मंथ, 3 महीने का प्रोडक्ट लेके चले गए। रिपोर्ट आया था वो पूरा ऑर्गन जो जो डैमेज था सब कुछ ठीक हो गया, एक भी पैरामीटर्स में उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो दे आर ऑल जस्ट वंडरिंग, हमने प्रोडक्ट किडनी के लिए दिया, अब उनका नींद भी ठीक हो गया, उनका ऑर्गन बाकी भी ठीक हो गया, काफी कुछ ठीक हो गया, तो वो वंडर हो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि आम जनता को हम ये सिखा नहीं पाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं कि हम देते हैं हमारे प्रोडक्ट एक डिसीज के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए। बट होता क्या है, हमारे बॉडी का सारा ऑर्गन का जो डैमेज्ड सेल है वो रीजनरेट हो जाता है। तो इसलिए हम बार बार इस बात को एम्फसाइज करके बोलते हैं कि आपको खाने का सिस्टम को आप चेंज कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास जितनी भी पेशेंट आप लोग ऑनलाइन में कनेक्ट करते हैं, मैं कुछ सवालें पूछता हूँ। नॉर्मली इंडिया में कोई डॉक्टर ऐसे पूछता नहीं है, आप क्या खाते हो, कितने बजे सोते हो, और आपका रूटीन क्या है, कितना पानी पीते हैं, ये सब पूछने के लिए इंडिया में कौन सी डॉक्टर के पास टाइम है? बिकॉज जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है जिसके साथ मेरे संबंध रहता, वो कहता है सर आपका जो सिस्टम है इट इज वेरी गुड, बट इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो सिस्टम के अनुसार 10-12 पेशेंट से ज्यादा पूरा दिन में एक डॉक्टर नहीं देखते, कितना 12 मैक्सिमम, सुबहरे 8 शाम को 4, और एक पेशेंट के साथ मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट्स बात करना ही पड़ता है। आप कंपेयर करिए इंडिया में क्या है, कहते 300 पेशेंट देखना पड़ता है, हम क्या करें? सो आई डोंट ब्लेम द डॉक्टर्स बट द सिस्टम, हमको सिस्टम को बदलना है। जब तक पेशेंट को नहीं समझेगा, पेशेंट की बैकग्राउंड नहीं समझेगा, पेशेंट की थॉट प्रोसेस नहीं समझेगा कि हमको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ पाते। सेम वे हमारे जो प्रोडक्ट है
हमारे जो प्रोडक्ट कैसे हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। आज से मैं आपको, आप अगर उसका हमारी प्रोडक्ट का, तीनों प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स को एक एक अलग अलग करके आप देखें, तो आपको पता है आयुर्वेद का पूरा संपूर्ण वो सिस्टम है कि जो जो आपकी बॉडी को, ऑर्गन को, वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो सेल्युलर लेवल पे जाके हमारा प्रोडक्ट काम करता है। अब सेल्युलर लेवल पे जाते हैं तो क्या है कि हमने हर क्लास में बोलते हैं 200 टाइप्स ऑफ सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है और 78 ऑर्गन है और 12 सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करता है एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद वन सिंगल सेल। अब सेल को हेल्थी रखना है, आप समझ लीजिएगा, सेल को हेल्थी रखना है। सेल को हेल्थी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। हमारा वेबसाइट में भी अभी अपडेट किया है रिसेंटली, कुछ 3-4 दिन पहले, आप उसमें देख लीजिएगा, सर का स्पेसिफिकली राजू सर का उसमें लेक्चर है कि आपको वेद नेचुरे कैसे पीना है, वेद इम्यूने कैसे पीना है और वेद पावर को कैसे यूज करना है और द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैक्स ड्रिंक एंड आपका प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक भी इम्पोर्टेंट है, प्रोबायोटिक भी इम्पोर्टेंट है, वो दोनों का रोल क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे गट स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कई ट्रिलियंस में होता है। अगर वो बैक्टीरिया को सही तरह की ऊर्जा मिलना है तो उसके लिए हम प्रीबायोटिक देते हैं। क्या है तीसरी चीज है, हमारा गरीब हो अमीर हो हर किसी के घर में ये चीज होता है, मेथी दाना। इज दैट यस, मेथी दाना के साथ जिंजर एंड लेसन, ये लेने से क्या होता है बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, बैक्टीरिया का खाना है बेसिकली। अगर वो मिलने से क्या होता है वो बैक्टीरिया हेल्थी रह जाता है, दैट हेल्प्स। समझ लीजिएगा वो बैक्टीरिया जो है हमारा जो भी खाना आप पूरा दिन में खाता है उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, और वो ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हुआ तो ये आप जितना भी खाना खाया वो वेस्ट हो जाता है, आपका न्यूट्रिशन भी बॉडी से सेल में पहुंचता नहीं। खाना खाते हम लोग हिंदुस्तानी खाना किस लिए खाता है, पेट भरने के, बट उसके आगे क्या प्रोसेस है नोबडी बॉदर्स, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपका खाना जो भी जैसे 65 न्यूट्रिएंट्स है, 25 तो हर किसी को मिल ही जाते हैं खाने से, बाकी 40 न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेली भी नहीं मिले तो भी, जैसे हमारा फॉर्मूला है ड्राई फ्रूट का हो गया, हर तरह की आपका सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर, वो कलर का भी इसलिए है अलग अलग कलर का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, दैट इज इसी वजह से बोलता हूँ अलग अलग कलर का वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको रोज लेना है। और ये लेने पे आपका खाना हजम होके ग्लूकोज तो बन गया, अब फर्दर जो ब्रेकडाउन है जिसको मेटाबॉलिज्म कहता है, वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना है तो आपको क्या ये अदरक और वो जो मिक्स बोला तीनों का, वो आपको रोज सुबेरे हल्का सा लेना है, एक चम्मच ही तो है, उसको चबा चबा के स्वालो नहीं करना, क्या स्वालो नहीं करना, उसको चबा चबा के सलाइवा बना के उसको आपको पीना है, खाना नहीं है पीना है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है, द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, स्टमक में नहीं है, स्टमक में जाने से पहले हमारा खाना जो है वो सलाइवा का साथ मिलते हैं और अच्छी तरह आपको चबाना है, उसको जूसी बना के फिर उसको आपको पीना है, उससे क्या होगा
पूरा दिन का आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है ना वो सही रहेगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का स्टमक रिलेटेड या इनडाइजेशन, गैस फॉर्मेशन ये कुछ नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आपका खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है आपका बॉडी अब्सॉर्ब करेगा। और उसमें हमारा प्रोडक्ट का क्या लिखे, ये आपका प्रीबायोटिक भी हो गया, प्रोबायोटिक भी हो गया, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में भी मैं क्या बोलता हूँ कि आपको जहां भी आप है हर एक घंटे में 5 मिनट 10 मिनट आपको बैठे बैठे ब्रीथिंग करना है। That is very important, क्योंकि बॉडी का या बॉडी को, बॉडी मीन्स हमारा सेल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद ही बाकी सारा कुछ होता है। और पानी का भी मैं हर क्लास में बोलता हूँ, पर 20 kg वेट 1 लीटर पानी आपको पीना है, वो सर्दी हो या गर्मी हो। और गर्म पानी पी ले या ठंडा पानी पी ले, दैट इज ऑल योर चॉइस। बट पानी पीना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ब्लड प्यूरिफाइड। ब्लड को प्यूरिफाई करके रखने के लिए और बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट मटेरियल खुद पे खुद ये मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज होता है तो क्या मिलते हैं, क्रिएटिन बनते हैं। वो क्रिएटिन को फ्लश आउट करना है तो भी पानी पीना है। बट इंडिया के सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जैसे किडनी खराब हो गई तो क्या बोलते, पानी पीना बंद कर दो भाई, आधा लीटर कर दो, पौना लीटर कर दो, 1 लीटर कर दो, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। क्योंकि आप पानी नहीं पियोगे तो ये फ्लश आउट नहीं होगा। बट एक और प्रॉब्लम है, अगर पानी आप सही तरीके से नहीं पिया तो क्या होगा, आप ओवर पी लिया, ज्यादा पी लिया तो क्या होगा कि आपको सूजन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, वाटर एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये सब वजह से आपको कैलकुलेटेड तरीके से, इसलिए बोलते हैं किडनी केसेस को जो है हमको रेफर करना पड़ता है। बाकी हर केस में मैं यही आज क्लास में बोलना चाहता था कि हर एक व्यक्ति को हमारा तीनों प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन दे सकता है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हेल्थी आदमी को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बीमार लोगों को ही ढूंढ रहा है। बीमार लोगों को ढूंढोगे तो हो सकता है आपको हमारी जरूरत पड़े। तो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे शुरू करेगा 10 दिन 15 दिन में शुरू हो जाएंगे, सर रिजल्ट नहीं आया, तो पहले से पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ है, और इतने महीना आप हमारे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। वी कॉल इट एज ए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में क्या है, ब्रीथिंग है, पानी इनटेक है, खाने की सिस्टम है, सोने की सिस्टम है, रात को आपको पर्टिकुलर इतने घंटे सोना है, ये सारा चीज को फॉलो करना है, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। और हमारा जैसे वेद नेचुरे है, वेद नेचुरे क्या करते हैं, जितनी भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जैसे ब्रीथ इन कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल देते हैं, उसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रीथ इनटेक के जरिए, खाने के जरिए, पानी के जरिए जितनी टॉक्सिन्स बॉडी में आता है, उसके अलावा बॉडी खुद पे खुद जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ये सबको फ्लश आउट करने के लिए, एक ऑर्गन के लिए नहीं पूरा सिस्टम के लिए जितनी भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाता है उसको टाइम टू टाइम फ्लश आउट करने के लिए वेद नेचुरे हेल्प करता है। वेद नेचुरे का बहुत बड़ा रोल है हमारे कि हर एक ऑर्गन में, एक नहीं हर एक ऑर्गन में जितनी भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं उसको निकालने में, इंक्लूडिंग द डेड सेल्स। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट, द सिस्टम इज सेल रीजनरेशन। आप समझिएगा, मरा हुआ सेल अगर हमारे ऑर्गन के अंदर रह जाता है
तो जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो मदर सेल होता है, जो स्टेम सेल बोला जाता है, वो बॉडी के लिए एक तरह के नहीं, हर एक ऑर्गन का अलग अलग स्टेम सेल्स होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। मगर न्यूट्रिएंट्स मिलने के बावजूद अगर मरा हुआ सेल आपकी ऑर्गन के अंदर वहीं बैठा हुआ है, बॉडी से नहीं निकला, तो नया सेल नहीं बनेगा। और वो मरा हुआ सेल को बॉडी से निकाल देना है, निकालने पे ही सारा सिस्टम एक्टिवेट आएगा। ह्यूमन बॉडी नहीं, इस दुनिया में जितनी भी जीव जंतु है, सेल्फ हीलिंग पावर है, सेल्फ हीलिंग पावर है। उस पावर को आप एक्टिवेट करना है, वो ही काम हमारा वेद पावर करता है, वेद नेचुरे करता है। सेल्फ हीलिंग जो प्रोसेस है हमारे, ताकि मरा हुआ सेल को बाहर निकाल देना और नया सेल को बनना, उसका सपोर्टिव मैकेनिज्म है ऑक्सीजन, पानी एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स तब बनेंगे, ग्रोथ हॉर्मोन्स तब बनेंगे आप रात को सोएंगे तो। 6 घंटे से 8 घंटे का नींद हर किसी को चाहिए, जिसमें रात को 12 बजे से 3 बजे का टाइम आप गहरे नींद में, साउंड स्लीप में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपका ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होगा, तो ही आपका सेल्स रीजनरेट होगा। ये क्या है, एक सिस्टम के लिए नहीं, पूरा हमारे 12 की 12 सिस्टम को वो हेल्थी रखेंगे। आप समझिएगा, आपका अगर किडनी का, लिवर का या कोई भी ऑर्गन का पूरा सेल टाइमली रीजनरेट हो गया, हेल्थी है, तो आपको किसी भी तरह की बीमारी पकड़ ही नहीं सकती, किसी भी तरह का बीमारी नहीं पकड़ सकते। अगर ऑलरेडी डैमेज है तो वो भी रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, प्रोवाइडेड आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैंने 1 by 1 जब काउंसलिंग करता हूँ या बात करता हूँ तो बोलता हूँ आपको ये बदलना है, ये बदलना है, ये इस तरह से करना है। कई सारे लोग अच्छे करते तो है, तो उनका क्या है, कहीं खाने की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का खाने का जो तरीका है, सिस्टम है, वो अलग अलग रहता है। कोई रोटी खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। बट बॉडी को क्या चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप कुछ भी खा लें, जो 65 न्यूट्रिएंट्स पर डे चाहिए होता है, वो तो आपको देना ही देना है। अगर आप रोज आपका बॉडी को पीठा देते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, हाउ कैन यू रिमेन हेल्थी। आपका सेल को, आपको प्यास लगता है तो पानी पीना पड़ता है। आप, हो सकता है कि मैं गुस्से में हूं इसलिए मैं ब्रीथ नहीं करूंगा, या पानी नहीं पीऊंगा, या खाना नहीं खाऊंगा, तो हु इज सफरिंग, योर सेल इज सफरिंग। आप अपने, देखिए सिंपल एग्जांपल है, कीप योर सेल्स हैप्पी। मैं टुना सर को भी ये बात बोलता हूं कभी कभी, कीप द सेल्स हैप्पी। वो हैप्पी रखने के लिए क्या होगा, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपका सेल्स हैप्पी है तो आपका ऑर्गन हेल्थी है, समझ लीजिए। अगर आपकी ऑर्गन हेल्थी है, आपका पूरा सिस्टम जो है वो हेल्थी रहेगा। अगर आपका सिस्टम हेल्थी है, यू डोंट हैव टू बदर फॉर एनी डिसीज। सेम वे हमारा वेद इम्यून जो है, वेद इम्यून पर्टिकुलरली हमारा 5 सेल्स WBC व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो 5 तरह की सेल्स होता है, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोला जाता है, उसको है पर्टिकुलरली हेल्प करने के लिए, उसको हेल्थी बना के रखने के लिए। अगर वो सेल्स, 5 सेल्स हेल्थी है, उसका पैरामीटर्स पीक में है, तो किसी भी तरह की वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आपका बॉडी में आ जाए, इंक्लूडिंग, आई एम टेलिंग यू, इंक्लूडिंग HIV एंड द सो कॉल्ड
कोरोना वायरस आ जाए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। कोई भी वायरस आपके शरीर में आ गया, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वो आपको कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका टीएलसी को मेंटेन रखने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वेद इम्यूने, एक ढक्कन सुबह रे एक ढक्कन शाम को आपको लेना है। किसके साथ? वेद नेचुरे के साथ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो समझ लो आपका टोटल सिस्टम का, टोटल ऑर्गन का, कंप्लीट सेल्स हेल्थी रहे। फिर क्या है कि 35-40 के बाद बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो एनर्जी जो है एनर्जी कम हो जाता है। इंसान, ये पर्सन विदाउट एनर्जी इज यूजलेस। सबको एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी को बूस्ट करना, एनर्जी को कैसे बूस्ट करेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन को त्वरित स्पीड कर देता है। आपको मालूम है, कैन यू इमेजिन द स्पीड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपका किसी भी प्रमोद जी है, प्रमोद की बॉडी की वेट के अनुसार उनकी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है। ये 6 लीटर ब्लड पर मिनट, समझ लीजिएगा, हर एक मिनट में वो हार्ट के थ्रू पंपिंग होता है। तो एक मिनट में कितना ब्लड है, टोटल ब्लड पंपिंग होता है। उसमें अगर कभी भी आर्टरी में, वेन्स में, कहीं भी कोई छोटा सा भी ब्लॉक होता है तो क्या है कि वो हर वक्त बाईपास नहीं करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाता है। तो भी सर्कुलेट तो करता है, बट उस पर्टिकुलर पोर्शन में, ताकि उस जगह का, उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया का सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा। अगर वो ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहां का सेल रीजनरेट ही नहीं होगा। उस केस में हमारा वेद पावर काम आता है। वेद पावर देने से आर्टरी में हो, वेन्स में हो, कहीं भी छोटा मोटा ब्लॉक कहीं भी होता है तो उसको खोल देता है। दैट मींस ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखना है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना, न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, जैसे राजू सर का भाषा में वो ट्रक कहते हैं, ट्रक कैरियिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी सेल्स। हर एक सेल में ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का जो काम है वो ब्लड करता है। सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को निकाल देने का काम भी वही करते हैं। तो अगर उसमें कहीं भी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लॉक ना हो, इसलिए वेद पावर हमारा काम आता है। तो वेद नेचुरे हो गया, वेद इम्यूने हो गया और वेद पावर हो गया। ये तीनों का कॉम्बिनेशन रेगुलरली लेने पे, मॉर्निंग एंड इवनिंग लेने पे क्या होता है कि हमारा पूरा सेल्स हेल्थी रह जाता है। अभी देखिए कितना इंटरनेशनल जो केसेस आता है, वो सब दे आर रियली वंडरिंग कि ये प्रोडक्ट ऐसा कैसा काम करता है। एक महीने के अंदर हमारा पूरा, मतलब जो ब्लड पैरामीटर से वो नॉर्मल हो गया है। वो इसलिए एकदम क्या है कि मैं द कंप्लीट क्रेडिट मैं प्रोडक्ट को नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 50% काम आप ही को करना है। ऑक्सीजन लेना आपका काम है, टाइम पे सोना आपका काम है, जो कैलकुलेटेड न्यूट्रिएंट्स लेना आपका काम है, राइट? ये सारा काम आप कर रहे हो और हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आज किसी ने मेरे को फोन किया और बोला कि सर मैंने रिपोर्ट भेज दी है। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको कभी भी किसी पेशेंट के पास जाना हो तो आप उनको क्या दे रहे हैं, जानकारी, नॉलेज दे रहे हैं। आप बेशक डॉक्टर नहीं है, बट आप जानकारी दे रहे हैं ताकि वो भी कन्विंस हो जाए। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा हमारे कंपनी का डॉक्टर साहब है, आप इनसे बात करें, कब तक ऐसे करता रहोगे?
तो इसलिए आपको जानकारी होना जरूरी है, इसलिए पर्टिकुलरली मैंने ये सब्जेक्ट आज निकाला है कि आप समझ लीजिए हमारी प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन। हाँ, किसी केसेस में जैसे राजू साहब बोलता है, हर किसी को ये कॉस्ट फैक्टर जो है अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, गरीब लोगों को आ जाते हैं क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट 15-15 ml भी लोगे तो थोड़ा अच्छा कॉस्ट बन जाता है। उस केस में देखिए, सीवियर केसेस में हम डोसेज कम नहीं कर सकते, दैट इज वेरी क्लियर। 15 ml से नीचे हम नहीं कर सकते, मैम 15 से नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि डिसीज्ड पर्सन को आप दे रहे हो, हेल्थी पर्सन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार ले लो चलेगा। अगर डिसीज्ड पर्सन है तो 15 ml कॉम्बो दोनों का मिला के 15-15 देना ही देना है, और सर्टन केसेस में वेद पावर भी साथ में देना होता है। एंड प्रोवाइडेड ये सारा प्रोटोकॉल पेशेंट को फॉलो करना होगा। इतना चीज अगर ध्यान रखोगे, हमारा तीन प्रोडक्ट से वेद नेचुरे, वेद पावर, वेद इम्यून, तीन प्रोडक्ट से आप 170 बीमारी जो आज तक, उसके अलावा भी हमने अभी काफी कुछ डिसीज पे दिया है, हर जगह रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग आज से हेल्थ एजुकेटर काम कर रहे हैं, आपका नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम टाइम टू टाइम ये क्लासेस जो कंडक्ट करते हैं वो आपका नॉलेज आपको अपडेट करने के लिए। इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी बोलते हैं गलत नहीं बोले। और टेक्निकल जागरण, हम टेक्निकल जागरण आपको पढ़ाते भी नहीं है। क्यों? टेक्निकल बोलोगे तो आपका वर्डिंग गलत हो जाएगा या कुछ क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, तो लोग सोचेगा यार ये रट्टा मार के आया है हमको सिखाने के लिए, सेल करने के लिए। नो, बेसिक नॉलेज आपको पाना है और यही नॉलेज आपको आगे लोगों को देना है और सीखने की कोशिश रखें, ठीक है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी पेशेंट के साथ आप जब बात करेंगे, यू आर ओनली गिविंग द इंफॉर्मेशन और यू आर ओनली गिविंग द नॉलेज, उनको समझ में आ जाए वो ठीक हो जाए। और दिल से मैं कहता हूं, मेरे पास 100% रिजल्ट है। मैं जो भी पेशेंट रहता हूं अभी, क्योंकि हमें क्या है कि मैक्सिमम कोई भी हमारा लोग या हमारा पेशेंट, हमारे कस्टमर, हमारा क्लाइंट कोई भी ये ना बोले वेद एलिक्सर का प्रोडक्ट्स लिया और हमको रिजल्ट नहीं। रिजल्ट डिले जरूर हो सकता है, बट ना मिला वो आज तक नहीं हुआ मेरे केस। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही स्टडी कर लेता हूँ केस को, स्टडी करने के बाद समझ लेता हूँ, फिर पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ ये लीजिए, और आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आई होप इससे आपको जनरल नॉलेज बढ़ गया।